नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बैंक अकाउंट को लेकर। हम में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है। एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होने के बाद भी अगर आप सभी अकाउंट को ठीक से नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो आने वाले दिनों में फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक के नियमों को अगर हम देखेंगे तो उसके अनुसार आपके बैंक अकाउंट बंद भी हो सकता है, जिसके चलते आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आपको एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट क्यों नहीं रखना चाहिए। जब आप बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं तो उसके बाद उस बैंक खाता खुल जाने के बाद से कुछ नियम हैं जिसका आपको पालन करना होता है। जैसे कि बैंक खातों में मंथली बैलेंस रखना जरूरी होता है। बता दें कि 500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक आपको बैंक बैलेंस रखना चाहिए होता है, नहीं तो फिर मंथली एवरेज बैलेंस न रहने के कारण बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से आपके खाते से पैसे काट सकती है। मान लिया जाए कि आपका बैंक शून्य अकाउंट में खुला हुआ है और आपकी सैलरी लगातार 3 महीने तक उस बैंक में नहीं आती है, तो यह अपने से सेविंग अकाउंट में बदल जाएगा। इसके बाद आपको सेविंग अकाउंट की तरह उसको ट्रीट करना होगा, यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस का ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि अगर आप 1 साल तक अपने बैंक खाते में किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आपका खाता इनएक्टिव किया जा सकता है। बता दें कि इस एक्टिव अकाउंट में ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंक मना नहीं करता, लेकिन डारमेट अकाउंट से आप नेट बैंकिंग या फिर एटीएम ट्रांजेक्शन या फिर मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं और आपके पास ज़्यादा अकाउंट है तो यह आपके लिए परेशानी का मामला हो सकता है, परेशानी बढ़ा सकता है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस समय आपको अपने बैंक के सभी अकाउंट की जानकारी साझा करनी होती है। ऐसे में अक्सर आपके स्टेटमेंट का रिकॉर्ड जुटाना काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। अगर हम आज के ज़माने की बात कर लें तो ऐसे में प्राइवेट बैंक है जिनका मिनिमम बैलेंस जो है 10 से 20,000 रुपया है। ऐसे में अगर आपके पास इस तरह के बैंक के 4 अकाउंट है तो आपको अपने खाता चालू रखने के लिए 40 से 80,000 रुपये मिनिमम बैलेंस के रूप में रखना होगा। अगर आप इतना पैसा नहीं रखते हैं तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। साथ ही आपके इन्वेस्टमेंट में भी इसकी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि ज़्यादा बैंक खाता रखने से परेशानी बढ़ सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि कई बार बैंक खाते में सुरक्षा के लिहाज से भी कारगर नहीं माना जाता है। बता दें कि आज देश में बड़ी संख्या में लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आपको अपना पासवर्ड याद रखना कितना मुश्किल है, क्योंकि अगर ज़्यादा बैंक होंगे तो उसमें अगर सारे बैंक का अगर नेट बैंकिंग है तो उन सारे का एक पासवर्ड आप जो है कैसे याद रखेंगे। अगर आप जिस बैंक के खाते को लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ऐसे बैंक खातों से धोखाधड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में यह कहा जाता है कि अगर आपका इन खातों से नेट बैंकिंग है या फिर आप इंटरनेट से जुड़े हुए दूसरे काज करते हैं तो ऐसे में उन खातों को आपको बंद कर देना चाहिए। तो एक तरह से कह लें कि सुरक्षा के लिहाज से ज़्यादा खाते रखना आपके लिए कारगर नहीं है। दूसरा, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको उन सारे बैंक खातों का स्टेटमेंट जो है आपको अपने सीए के सामने रखना होगा, जिसमें कि आपको बताना होता है कि आपने अपने ट्रांजैक्शन को कहां कहां दिया है या फिर कैसे कैसे लिया है। इस तरह की परेशानियों का सामना आपको वहां पे करना पड़ सकता है। तो इस लिहाज से भी जो है आप ज़्यादा बैंक खाते अपने पास ना रखें। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।